तो दोस्तों फिर से स्वागत है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे एक नई अपडेट के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको अपडेट दूंगा रेस्ट एरिया, जो कि वे साइड एम्यूनिटीज़ जहां पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जो कोई लोग सफ़र करेगा तो उनके रुकने के लिए जो होटल रेस्टोरेंट और वे साइड एम्यूनिटीज़ पर जो फैसिलिटीज़ होती हैं, टॉयलेट वगैरह की, होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, तो और भी जो ये फैसिलिटी होती है, तो वहाँ के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा क्या कुछ काम चल रहा है। बेसिकली ये लोकेशन के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ, ये लोकेशन है अलवर ज़िले में ग्राम पिनान के पास में, जहाँ इंटरचेंज बनाया जा रहा है। बेसिकली स्टेट हाईवे 35 को जहाँ क्रॉस करता है जो जगह है वो है पिनान, जो कि राजगढ़ तहसील के अंदर आता है। और पिनान के यहाँ पे वे साइड एम्यूनिटीज़ बनाई जा रही है। तो अभी आप यहाँ ये जो जगह देख सकते हैं, ये जगह है बेसिकली हेलीपैड बनाया जा रहा है। यहाँ पे दो हेलीपैड बनाए जाएंगे, ये एक साइड का एरिया है। तो चलो बात करते हैं अभी वे साइड एम्यूनिटीज़ की। लास्ट टाइम मैंने एक अपडेट डाला था, उस अपडेट पर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली यहाँ पर एक वे साइड एम्यूनिटीज़, जो कि रेस्ट एरिया बोल सकते हैं, वो बनाया जा रहा है। तो वहाँ का अपडेट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी क्या कुछ काम हुआ है। तो उसी अपडेट को आगे बढ़ाते हुए मैं और आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अभी आप देख सकते हैं नवंबर का महीना चल रहा है, और जो बताया जा रहा है कि फरवरी या फिर मार्च तक 2022 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की शुरुआत दिल्ली से और जयपुर तक कर दी जाएगी। तो सबसे पहले जो जयपुर से दिल्ली तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो शुरुआत की जाएगी, तो उसके अंडर में ये वे साइड एम्यूनिटीज़ आती हैं। तो यहाँ पे क्या कुछ काम हुआ है आज उसी का ही अपडेट देना चाहता हूँ। बेसिकली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो रहा है, और जिसकी टोटल लंबाई है 1380 किलोमीटर, जो कि दिल्ली के DND फ्लाईओवर से स्टार्ट होके JLN पोर्ट, जो कि मुंबई में है, वहाँ तक जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको अपडेट दूंगा अलवर ज़िले में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ पे वे साइड एम्यूनिटीज़ जो बनाई जा रही हैं वहाँ पे क्या कुछ काम हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्डिंग है, उनका ढांचा जो बन के तैयार हो गया है, और बिल्डिंगों के आगे आप ये जो जगह देख रहे हैं ये बेसिकली पार्किंग के लिए जगह है। तो उसकी भी एक वीडियो मैंने पहले बनाई है, जो पहले बनाई है उस वीडियो के बारे में भी आप जानकारी लेके देखें कि ये पार्किंग वगैरह की कितनी लंबाई चौड़ाई है। एक छोटी छोटी चीज़ों की अपडेट मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाई है। बाकी काफ़ी टाइम बाद अपडेट आ रहा है। बेसिकली अपडेट आने का सबसे बड़ा कारण था कि किसी कारण हम बिज़ी थे तो आपको रेगुलर अपडेट नहीं दे पाए। बाकी बिज़ी हम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देने के ही चक्कर में हम बिज़ी थे। बेसिकली लास्ट टाइम हमने एक जयपुर का खातीपुरा का जो रेलवे स्टेशन, टर्मिनल रेलवे स्टेशन बन रहा है, उसके बारे में अपडेट दी थी। बाकी फिर एक जो नया हाईवे, नेशनल हाईवे सेक्शन हुआ है अलवर ज़िले में पनियाला से और बड़ौदा मेव तक, बड़ौदा मेव जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे एक इंटरचेंज बनाया जा रहा है। बेसिकली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पनियाला से और बड़ौदा मेव तक कनेक्ट किया जाएगा। उस नेशनल हाईवे का अपडेट भी मैंने इस चैनल के माध्यम से दिया है और लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो ज़रूर आप उस चीज़ के भी अपडेट को देखें। बाकी अभी बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। देखो दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने एक अपडेट डाला था दौसा ज़िले में जो वे साइड एम्यूनिटीज़ बनाई जा रही हैं, बेसिकली ग्राम धनावड़ के पास में बनाई जा रही हैं, उसका भी एक अपडेट डाला था। वहाँ पे भी मैंने एक सारी चीज़ों की आपको जानकारी दी थी कि कहाँ पे क्या, किस तरीके से क्या कुछ काम चल रहा है। बाकी ये जो अपडेट है ये है अलवर ज़िले का, जो कि राजस्थान में पड़ता है, पैकेज 5 के अंडर में आता है। ये जो पैकेज है आपको मैं एक जानकारी दे दूँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर टोटल 52 पैकेज रहने वाले हैं, तो पैकेज 5 के अंदर आता है। तो अभी यहां की जानकारी मैं आपको देता हूं। देखो अभी ये जो आप व्यू देख रहे हैं सामने, ये बेसिकली 3 पेट्रोल पंप की जो लोकेशन है उसके वहाँ पे क्या कुछ काम हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं 3 तरह के पेट्रोल पंप बनाए जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्टिविटी के पर्पस से। देख सकते हैं सबसे पहले चारों साइड में जो बाउंड्री वॉल का जो काम है वो काम कम्प्लीट हो गया है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर नहीं हुआ है, और बता दूँ मैं चारों साइड में जो नाले हैं उनका काम भी कम्प्लीट हो गया है। बाकी पार्किंग वाली जो टाइल है उनका काम भी लगाने का काम बेसिकली 80% काम कंप्लीट हो गया है। 3 तरह के यहाँ पे पेट्रोल पंप बनाए जाएंगे। तो 3 तरह के पेट्रोल पंप, एक तो बिजली इलेक्ट्रिकल वाला पेट्रोल पंप रहेगा, एक लिक्विड वाला पेट्रोल पंप रहेगा जो कि पेट्रोल डीजल से रिलेटेड रहेगा,
जो तीसरा पेट्रोल पंप है वो सीएनजी वाला गैस वाला पेट्रोल पंप रहेगा, तो उनका काम अभी इन फ्यूचर में चलेगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। सामने आप जो जगह देख रहे हैं ये बेसिकली पेट्रोल पंप की लोकेशन है। 5 यहाँ पे बड़े बड़े जो लाइट वाले जो खंभे होते हैं जो ऊपर तक लगते हैं बड़े बड़े, बेसिकली उनका मुझे नाम से मैं प्रोनाउंस नहीं करूँगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, बाकी मोटी मोटी जानकारी आपको देता हूँ मैं। 5 जो खंभे हैं वो लगाए जाएंगे। बाकी सामने आप देख रहे हैं बेसिकली ये जो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग मैंने अभी आपको दिखाई, ये आप देख सकते हैं ये वाली बिल्डिंग, तो इसका काम अभी अधूरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 3 सेट लगाए जाएंगे, और 3 सेट लगाने का पर्पज़ ये है कि यहाँ पे जो कार और जो ट्रक वगैरह चलेंगे उनकी सर्विस के लिए बनाया जाएगा यहाँ पे, तो वहाँ पे 3 सेट लगाए जाएंगे। बाकी मैं आपको जानकारी दे दूँ, टोटल 12 लाइन का रहने वाला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनके अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अभी बनके तैयार होने को है। बाकी वे साइड एम्यूनिटीज़ जो कि अलवर ज़िले में 2 जगह बनाई जा रही है, सबसे पहले है निज़ाम नगर जो कि बड़ौदा मेयो इंटरचेंज से पहले पड़ता है, तो वहाँ की भी मैंने वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाई है। बेसिकली वहाँ पे जो इंटरचेंज के पास में जो वे साइड एम्यूनिटीज़ बनाई जा रही हैं, तो वहाँ पे बहुत छोटी वे साइड एम्यूनिटीज़ बनाई जा रही हैं, दोनों साइड में एक एक बिल्डिंग ही तैयार की जा रही है, और वहाँ की भी वीडियो मैंने डाली है, मैं लिंक नीचे डाल दूँगा वीडियो में, तो ज़रूर आप जाके देखें। बाकी ये अलवर ज़िले की है, रोड के दोनों साइड में बनाई जा रही है। अभी आपको पहले दूसरी साइड का मैंने अपडेट दिया था, अभी आप देख सकते हैं रोड के दूसरी साइड का अपडेट। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं बिल्डिंगों का जो काम है वो थोड़ा स्लो है, क्योंकि उधर की साइड का काम पहले स्टार्ट हुआ था, यहाँ का काम थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ बात करते हैं, रोड का काम कंप्लीट हो गया है, बिल्डिंगों का जो आरसीसी का काम है वो भी कंप्लीट हो गया है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे नहीं हुआ है। बाकी रोड लाइट यहाँ पे नहीं लगाई है, आप देख सकते हैं रोड लाइट का जो नीचे का फाउंडेशन है उसको बिल्कुल एकदम कंप्लीट कर दिया गया है। जैसे ही रोड लाइट लगती है या फिर और कोई मेजर अपडेट होता है मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ये आप देख सकते हैं हेलीपैड, बेसिकली मैं आपको जानकारी दे दूं, दोनों साइड एक एक हेलीपैड बनाया जा रहा है, और हेलीपैड बनाने का मेन पर्पज़ है मेडिकल इमरजेंसी के लिए। मैं आपको जानकारी दे दूं, यहाँ पे दोनों साइड में सेम तरीके से फैसिलिटी होने वाली है। अब सेम तरीके का मतलब होता है दोनों साइड में 3 पेट्रोल पंप बनाए जाएंगे, दोनों साइड में हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, दोनों साइड में ही रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे, जो भी फैसिलिटी रहेगी वो सेम रहेगी। बाकी मेडिकल इमरजेंसी के लिए ट्रॉमा सेंटर, जो कोई इन फ्यूचर में कभी रोड से रिलेटेड एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो उनके काम के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जाएगा। बाकी ये जो बड़ी बड़ी वाली जो बिजली की लाइन आपको हाई टेंशन वाली लाइन दिख रही है, उनका शिफ्टीकरण कर दिया गया है, उसकी भी मैंने वीडियो इस चैनल पर डाली है, तो जो भाई नया है वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, आने वाले टाइम पे इस चैनल के माध्यम से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अलावा और भी आसपास जो हमारे आसपास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास जो कोई हाईवे नया सेक्शन होता है, नेशनल हाईवे सेक्शन होता है, तो इन सब चीज़ों की भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, तो ज़रूर आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें।